हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड के लिए भी है और बिहार बोर्ड के लिए भी है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं और चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कैन यू स्टोर AgCl सॉल्यूशन इन जिंक पोर्ट। क्या आप जो AgCl का सॉल्यूशन है वो जिंक पोर्ट में स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू Ag, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव आपका जिंक होता है। तो ये क्या करेगा, जिंक ZnCl बना लेगा और Ag को रिप्लेस कर देगा, तो इसीलिए हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते। इतना आपको हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो इसका जो आंसर, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे आंसर को फिर से देख सकते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट को इसका डिफिनेशन नहीं पता रहता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इसके मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देखिए पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक आंसर लिंक करके दिया होगा, वहाँ से आप क्लिक करके आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करते हुए चले, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्रिप्शन से आंसर देख लीजिएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। मतलब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको EMF बताना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि EMF को हम लोग सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, इसलिए अगर बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज सेल पोटेंशियल, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और EMF क्या होता है, जो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और एनोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग EMF बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्ट एस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? तो हाँ, यस, इसका आंसर होगा यस। कैसे करा सकते हैं, अगर हम लोग इसमें एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लगाएंगे जो इसके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उससे अगर ग्रेटर होगा तो ये उसकी तरह वर्क कर सकता है। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों है, अब इसमें आपको रीज़न देना है कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो सिंगल हाफ सेल होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग को आपको पता होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। अगर एक ही सेल रहेगा तो वो तो या तो बस रिडक्शन होगा या तो बस ऑक्सीडेशन होगा, तो इसीलिए कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाएगी। डैट इज़ वाई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसीलिए हम लोग जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज SHE एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब SHE क्या होता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो SHE जो होता है इसका फुल फॉर्म आपका होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब जो एट क्वेश्चन है वो क्या बोला, व्हाट डज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट। जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो क्या इंडिकेट करती है, तो वो ये इंडिकेट करती है कि वो ईजिली रेड्यूस हो जाती है इन कंपेयर टू H+ ion। मतलब H+ ion के कंपेयर में वो आसानी से रेड्यूस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं जो नाइन क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाउ डस्ट इट प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं उसकी फिजिबिलिटी को, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो ये आप पूरा डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर होगा देख लीजिएगा, कि जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड एनायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसमें क्या होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है इन केस ऑफ एनोड में, और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर होता है इन केस ऑफ कैथोड में। तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, और इसका जो पूरा आंसर होगा वहाँ से आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं जो टेंथ क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जो टेंथ क्वेश्चन है वो क्या बोला, गिव सम यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ यूजेज बताना है। तो इसका यूज़ हम लोग जानते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन में करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी यूज़ होता है इसका, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो ये जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मतलब रिलेट कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।